मुख्यमंत्री यादव ने उज्जैन के पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया। सेवा शुरू होने के पहले ही दिन मुंबई के एक दंपत्ति ने उज्जैन से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए बुकिंग कराई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन बेहद खास है क्योंकि मां गंगा का अवतरण दिवस है। उज्जैन में पूरा एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कीर्ति दी, प्रसिद्धि दी, शासन की व्यवस्थाओं का अवसर दिया और आज ये उज्जैन के इतिहास के लिए वैसे बीते कल से आज तक लगातार सौगातों का तो सिलसिला इतना जबरदस्त है, ऐसा लग रहा कि भगवान राम का काल हमने नहीं देखा कि हनुमान जी को पूछ को पकड़ने गए थे तो वो कितनी लंबी पता नहीं चली, लेकिन ये गारंटी है कि उज्जैन के विकास के मामले में हमको याद आएगा कि हनुमान जी की पूछ की तरह ये विकास कहां जाके थमेगा हमको मालूम नहीं है, इतने प्रकार से काम हो रहा है। और पवन पुत्र को याद करते तो हवाई मार्ग याद आ जाता है और हवाई मार्ग में भी आप अंदाज लगाओ 3 दिन में 2 बड़ी सौगातों, दोनों में हमारे धार्मिक पर्यटन के साथ पूरे प्रदेश का ध्यान रखा है। अभी अभी माननीय सांसद जी ने कहा, सांसद जी आपके लिए बता रहा हूं, दोनों माननीय विधायक के महापौर जी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, पूरे प्रशासनिक अधिकारी है, सभी मंचस्थ अतिथिगण हैं। उज्जैन से एयर टैक्सी का भी शुभारंभ हुआ हमारी अपनी हवाई पट्टी के लिए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए जोरदार ताली बजाओ, उनके कारण से पूरा एयरपोर्ट बनने का हमारा प्रपोजल भारत सरकार में मंजूर होके आगे आ गया और बड़ी बात है तो उज्जैन का एयरपोर्ट अब पूरा बनेगा, ये प्रस्ताव हमारा भारत सरकार ने माना। अब उनने हमसे लैंड की अपेक्षा की है, थोड़ा सा पीछे की आगे की जमीन हमको और चाहिएगी तो घटिया के विधायक जी या बैठे ही है, थोड़ी कुर्बानी देंगे, थोड़ा करेंगे, जगह होगा तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो घरवर को थोड़ा दाएं बाएं करना पड़ेगा पीछे तक जाने के लिए, तो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हमको अपने विकास के मामले में जब अपने देवस्थान को आगे पीछे कर सकते हैं, कार्यालय दरवाजा के गेट से लगा करके और ये जो अपना केडी गेट का उदाहरण बना, जोरदार ताली बजा उज्जैन वालों के लिए, पूरे देश में इतना अच्छा उदाहरण नहीं है। जब लोगों ने स्वेच्छा से अपने धर्मस्थल को पीछे किया, एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, सबका धन्यवाद अदा करता हूँ, जो विकास के मामले में उज्जैन संकल्प ले रहा है ये कई मामलों में हमारे लिए बड़े अलग प्रकार का। आज हमारे यहाँ सब वरिष्ठ जन भी बैठे हैं तो मैं आप सबको प्रणाम करते ये भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे। आज जो शुरुआत हो रही है, कल तो खान डायवर्सन कंडक्ट योजना की बात करें, सच्चे अर्थों में वो खान डायवर्सन नहीं है, वो पूरी की पूरी नदी को पलटाने की धारा है, पूरी नदी पलटा करके दूसरी दिशा बनाएंगे। वो जो बड़ी धारा मिलने वाली थी और उस धारा की अगर साइज देखेंगे तो कितनी बड़ी बनेगी, ये अपना जो शेड है इससे थोड़ी छोटी होगी, बाकी ट्रक पूरा उसके अंदर घुमाता रहेंगे, अपन इतनी बड़ी वो अपने आप में लाइन बनेगी जिसके माध्यम से नदी की पूरी धारा उसमें समाहित होकर के वो अलग जाने वाली, तो गंदा पानी अपनी नदी में नहीं मिलेगा, क्षिप्रा का शुद्ध पानी आएगा। ये उज्जैन की कीर्ति बढ़ाने के लिए अब ये हमारे यहाँ एयर टैक्सी के बाद हेलीकॉप्टर सेवा, ये हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जोरदार ताली बजाओ। अपने लगभग वैसे तो उज्जैन से इंदौर का भी 6 लेन हमने मंजूर कर दिया, लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लागत का उज्जैन इंदौर का 6 लेन, 6000 करोड़ का, और ऐसे 5000 करोड़ का जावरा उज्जैन 4 लेन, तो दो ही 11000 करोड़ का है। और अभी एनएचएल के माध्यम से उज्जैन में लगभग 6000 करोड़ के काम हमारे चल रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्र तो गिने ही नहीं है। विक्रम उद्योगपुरी में लगभग 1000 एकड़ हमारी सारी पूरी हो गई और 1000 एकड़ जमीन हम दूसरी लेने वाले ताकि उत्तर उद्योग और बना सके हमारे यहाँ, उसका प्रपोजल भी हमने आगे बढ़ा दिया। तो उज्जैन के अंदर उद्योग धंधों में कोई कमी कसर नहीं होना चाहिए, कोशिश तो बहुत सारी चल रही है, सब मिला के लगभग अभी के हिसाब में ये ऐसा
कुल मिलाकर के विकास का कारवा जिसको शब्दों से आंकड़ों से बांधोगे तो थोड़ा अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन एक एक करके आप देखो जो हमने कहा था वो सब करके दिखाते जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर सेवा केवल उज्जैन ओंकारेश्वर नहीं है, यह हमारे अतीत के हजारों साल पुराने द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रति पूरे देश और दुनिया की जो आस्था है उसको जोड़ने का संकल्प हमारे सबके सामने है। वो आनंद नाम सहभागी बन रहे बाबा महाकाल ओंकारेश्वर अर्थात ममलेश्वर, ये केवल हमारे ही नहीं मध्य प्रदेश में उनका स्थान है, ये तो विश्व की धरोहर है। और विश्व की धरोहर होने से हरेक कोई को उनके दर्शन करने की इच्छा होती, हरेक कोई उनको उनके जाने का हक है। तो अब जिसको जिस तरह से जाना हमारे अपने सड़क मार्ग से जाओ तो सड़क मार्ग बना के दे देंगे, रेल की लाइन के आधार पर रेलवे का सर्वे कराकर कंप्लीट कर रहे हैं, रेल से जाना रेल से चले जाएंगे। और वायु मार्ग से जाओ समय बचाने के लिए तो ये हेलीकॉप्टर सर्विस आपके अंदर रही।